मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नगर की मोहल्ला किला सहजी स्थित एक पुरानी हवेली को तोड़ते समय मजदूर अचानक छत से नीचे आ गिरा। हादसे में नीचे खड़ी सरिया मजदूर के निचले हिस्से में घुसकर आर पार हो गई। आनन फानन में उसे लखनऊ के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन के बाद मजदूर के शरीर से लोहे की सरिया निकाली। मजदूर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। नगर के मोहल्ला किला साहजी में डॉक्टर अनूप अग्रवाल की पुरानी हवेली है। वर्तमान में डॉक्टर अनूप अग्रवाल लखनऊ में रहते हैं। करीब एक माह से इस जर्जर हवेली को तोड़ने का काम चल रहा है। आज शनिवार को सुबह थाना फतेहपुर चौरासी के अंतर्गत ग्राम लबानी निवासी राजेंद्र 35 वर्ष पुत्र मोहन समेत आधा दर्जन मजदूर हवेली के एक कमरे की छत तोड़ रहे थे। तभी अचानक छत तोड़ रहा राजेंद्र नीचे आंगन में आड़ी तिरछी खड़ी लोहे की सरियों पर आ गिरा। एक सरिया राजेंद्र के शरीर को चीर कर दूसरी ओर निकल गई। यह देख मजदूरों में कोहराम मच गया। आनंद फानन में राजेंद्र को लखनऊ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने करीब 5 फुट लंबी सरिया को पहले कटर से काट कर छोटा किया, तत्पश्चात ऑपरेशन के बाद सरिया शरीर से बाहर निकाली। मजदूर राजेंद्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रिपोर्ट जमीर खान। तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।